अप्रैल से जंग के 10वें दिन रूस ने की सीज फायर की घोषणा, युद्ध क्षेत्र में फंसे नागरिकों को निकाला जाएगा। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत, भारत में ही पूरी कर सकेंगे इंटर्नशिप। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, क्यू में हूं मैं, देश छोड़कर कहीं नहीं भागा, ऐसी खबरें झूठी हैं। भारत ने गवाया अपना 8वां क्रिकेट स्कोर, 470 के पार पहुंचा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5921 नए मामले, 11,000 से ज्यादा हुए ठीक। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। बस्ती में स्ट्रांग रूम के बाहर वीवीपैट मशीन की पर्चियां मिलने से जनपद में नेताओं में खूब हंगामा किया है। वहीं डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि इन पर्चियों की जांच सभी अभिकर्ताओं के सामने की गई है, जो मार्कपोल की पर्चियां हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्ट्रांग रूम में रखी हुई वीवीपैट मशीन और ईवीएम सुरक्षित है। जनपद बस्ती में जनता के माध्यम से प्राप्त वीवीपैट स्लिप्स के संबंध में अवगत कराना है कि इन पर्चियों का पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट से कोई संबंध नहीं है। सभी पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट्स पूर्ण रूप से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं। कल मतदान के उपरांत सभी स्ट्रांग रूम्स की सीलिंग समस्त प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं के समक्ष की गई है। इन पर्चियों की जो अभी प्राप्त हुई है की जाँच कैंडिडेट्स अथवा उनके अभिकर्ताओं के समक्ष की गई है। यह वीवीपैट पर्चियाँ ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की है, जो पोलिंग पार्टी को ईवीएम प्राप्त कराने से काफ़ी पहले की जाती है। हमारे स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है वो 3 लेयर की सुरक्षा है। प्रथम टीयर में सीएपीएफ की गार्ड है, सेकंड टीयर में आर्म्ड पुलिस है और थर्ड टीयर में खबर संबल से है, जहां पर यूक्रेन में फंसे हुए यूपी के संबल के मदाला गांव के 3 छात्र सुरक्षित वापस लौट आए हुए हैं। छात्रों के वापस लौटते ही नई दिल्ली एयरपोर्ट से छात्रों को यूपी सरकार की बस के तरफ से छात्रों को उनके घर पहुंचाया गया, जिसके बाद छात्रों ने भारत सरकार के साथ ही इंडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा किया है। गाजीपुर में 7 मार्च को अंतिम चरण में मतदान होना है, ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होना था, लेकिन देर हो जाने की वजह से अमित शाह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। वहीं उनकी जगह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और मंच से भाजपा के विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गरीब जनता की जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे, शाम के 7 बजते थे, उसके बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, व्यापारियों से उगाही की जाती थी। हमने 2017 में कहा था, मोदी जी की योगी जी की सरकार बनाओ, उत्तर प्रदेश को गुंडा माफिया मुक्त करेंगे। आज सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ, सर उठा कर कह सकता हूँ, अपराध और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक, आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी तक, नाहिद हसन से लेकर अतीक अहमद तक, ये वो नाम है जो अपराधियों को शरण भी देते थे, अपराध भी करते थे, दंगे भी करते थे। इनकी टूटी बोलती थी, आज इनकी साइकिल पंचर करने का काम कर दिया गया है भाई। संबल के थाना चंदौसी क्षेत्र में अज्ञात महिलाओं की तरफ से एक लड़की के बैग में सोने का पेंडेंट चोरी हुआ, जिसको लेकर साधना की तहरीर के आधार पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने टीम की गठित की थी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार के निर्देश दिए और क्षेत्र अधिकारी आलोक सिद्धू के कुशल नेतृत्व में कानून व्यवस्था, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के तहत अभियान चलाया जा रहा है। लखीमपुर में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम और संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गठित महिला को
गोली मारने की घटना से 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त महिला के पति को बंदूक और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। सूचना आई पुलिस के पास कि एक महिला को गोली मार दी गई है उसके घर में। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पे लोगों से पूछताछ किया, उसी क्रम में उनके किराएदार को बुलवाया गया। किराएदार से पूछताछ हुई, पता चली, किराएदार ने बात बताई कि ये गोली जो है उसके खुद के पति ने मारी है, महिला के पति ने। उनका ये भी कहना है कि जब वो नीचे आए गोली की आवाज़ से, तो फिर हाथ बंदूक थी, बंदूक इन्होंने इनके ऊपर भी टांग दी और डर के मारे इन्होंने फिर कुछ बात बताई नहीं। लेकिन पुलिस से जब आराम से पूछताछ की है तो उन्होंने ये बात खुलासा किया है। पति को भी हमने हिरासत में ले लिया है। पति से पूछताछ उसने अपना एक वालिया जुर्म कर लिया है। उसने ये बात कही कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शंका है, इसी शंका के बेसिस पर उसने गोली मारी है। इसमें मुकदमा दर्ज। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बरगदही चौराहे पर किराने की दुकान में पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें कि युवक ने दुकानदार को धमकी देते हुए दुकान में आग लगा देने को कहा और उसी रात दुकान में धुआं निकलता दिखाई दिया। दुकान पर पहुंचने पर देखा तो दुकान में आग लगी थी, जिसमें सारा सामान जल कर राख हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। मनोज कुमार सिंह पकड़ी दीगर के रहने वाले हैं हम। परसों हमारा और सुकुमार चौधरी का कुछ पैसे का लेन देन में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, आधा लीटर पेट्रोल का काम है, तुम्हारे दुकान में आग लगा देंगे। तो हम सोचे मतलब झगड़े में आदमी कुछ भी कह देता मार डालेंगे, तो मार नहीं डालता है। ये चीज़ सुन के हम चुप हो गए। वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। और आज जब हम दुकान बंद करके गए, आराम से सोए, सुबह ये हुआ उठ के चले, तब तक हमारे बगल से जो है फ़ोन जा रहा है, डॉक्टर विजय हैं, उन्होंने कहा कि आपके दुकान में से धुआं निकल रहा है। जब हमारे दरवाज़ा खोले तो देख रहे हैं सारा हमारा जल के नष्ट हो चुका है। और तब तक उसको खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। खबर बाराबंकी से है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी हरक के खिलाफ शिक्षा लामबंद हो रहे हैं, वहीं अब शिक्षकों ने संगठन के जिलाध्यक्ष को पत्र लिखकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद शिक्षकों ने कहा है कि 21 फरवरी को न्यायिक पंचायत हरक के शिक्षकों की पूर्व माध्यमिक विद्यालय सत्रिक परिसर में बैठक हुई। खंड शिक्षक अधिकारी ने न्याय पंचायत के आधार दर्जन शिक्षकों को बैठक में शामिल नहीं होने की बात कहकर 5 फरवरी को स्पष्टीकरण तलब किया है और पत्र भी बैंक डेट का जारी किया है। वहीं इस मामले पर शिक्षकों का कहना है कि जो पत्र उन्हें मिला है उसमें संकुल बैठक के 16 दिन पहले की 5 फरवरी को स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और स्पष्टीकरण देने का समय बीतने से पहले ही खंड शिक्षा अधिकारी ने वेतन रोकने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख दिया है। यूपी में चुनावी जंग में बस एक चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसी बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुटी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से काशी में डटे हैं। कल पीएम ने वाराणसी में रोड शो किया, आज भी पीएम मोदी वाराणसी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की 54 पर शाम 6 बजे प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के 7वें व अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इनमें से 5 वर्तमान मंत्री हैं, जबकि 1 विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो चुके हैं। अंतिम दौर में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरा ताकत झोंक दी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.06 करोड़ मतदाता करेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण के कारण जो बच्चे वैक्सीन लगवाने से छूट गए हैं, ऐसे करीब 8.5 लाख बच्चों को तक चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर 7 मार्च को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया जा रहा है और इसमें उन बच्चों को विशेष रूप से वैक्सीन लगाया जाएगा। छूटे हुए बच्चों के साथ नवजात शिशु को लेकर 2 वर्ष की उम्र से कुल 1.10 करोड़ बच्चों को यह अभियान के तहत वैक्सीन लगाया जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा
2014 से लगातार किए गए कार्यों को जनमानस सराह रहा है। उसी का नतीजा रहा कि 2017 में 2014 से 2017 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों पर मोहर लगाई और प्रचंड बहुमत में 2017 की सरकार बनी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त के गृह मंत्री, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अप्रतिम रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी द्वारा लिया गया एक निर्णय उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल दिया। मंत्री जी, आज आपके रोड शो में नंदी जी थे, माननीय विजय मिश्रा जी थे, क्या लगता है आप इस रोड शो से जनता के ऊपर कितना प्रभाव डाल सकता है? देखिए, 2014 के बाद से केंद्र सरकार में और 2017 के बाद से प्रदेश सरकार में इतनी जन कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए थे कि उसके बदौलत आज जब 22 का चुनाव आया है और सदर विधानसभा में रोड शो निकला है, तो ये रोड शो बिल्कुल अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय रोड शो निकला। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।